हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगुलर 9। ये हमारा 38 ट्यूटोरियल है एंगुलर का। अब हम क्या करेंगे, अपनी शॉपिंग लिस्ट वाले कंपोनेंट में काम करेंगे। तो शॉपिंग लिस्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले शॉपिंग लिस्ट यहाँ पर है, इसके कंपोनेंट में काम करते हैं हम, शॉपिंग लिस्ट डॉट HTML। तो यहाँ पर से हमने द लिस्ट लिखवा रखा है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर से इसे डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। और अनऑर्डर लिस्ट के क्लास रखते हैं हम A इज़ इक्वल टू लिस्ट ग्रुप आइटम्स, ताकि आपका आइटम्स की तरह दिखे ये। पर और इसका स्टाइल कैसा दूंगा मैं, कर्सर वाला दूंगा, जो कि पॉइंटर की तरह करेगा। कर्सर पॉइंटर लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ एंकर टैग को क्लोज कर लेते हैं। डबल कोटेशन लगाएंगे यहाँ पर, सिंगल कोटेशन नहीं लगाएंगे, सेव कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर हमने कर्सर लिया है, जो कि क्या करेगा, पॉइंटर की तरह आपको दिखेगा। और यहाँ पर हम लोग देख क्या करेंगे, फिर आप एक एरे ले लेंगे। जैसे हम आपका रेसिपी में एक एरे ले रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें एक एरे लेना पड़ेगा। तो शॉपिंग लिस्ट कंपोनेंट डॉट TS में जाएंगे, एक इंग्रेडिएंट वाला एरे ले लेते हैं यहाँ पर हम। जैसे हम रेसिपी में ले रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम इंग्रेडिएंट के लिए एक एरे ले लेंगे। और इस एरे में फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जैसा कि हम रेसिपी में कर रहे थे। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं खुद से, ये आपका चैलेंज भी है। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन बताएंगे किस तरह से आपको करना है, और इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रेमवर्क्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो।